नमस्ते एवरीवन, आज हम जैक स्नाइडर की रेबल मून पार्ट टू द स्कार गिवर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने रेबल मून पार्ट वन द चाइल्ड ऑफ फायर को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको पिछले भाग का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आर्थेलियस, जो कि असल में मदरवर्ल्ड की एक सिपाही होती है, लेकिन अब वो एक गाँव में अपना नाम बदल कर रहती है, जिसको अब सभी कोरा के नाम से जानते हैं। मदरवर्ल्ड पूरी आकाशगंगा में अपना वर्चस्व फैलाकर रूल करना चाहती है, इसीलिए पूरे गैलेक्सी में जंग लड़ रही होती है। वो अनाज लेने कोरा के छोटे से गांव स्मॉल मून पर आते हैं, जिसकी अगुवाई एडमिरल नोबल कर रहा होता है, जहां कोरा उनके सैनिकों को मार देती है और कुछ जाबाजों को जमा करती है, जिसके बाद वो नोबल को मारने में भी कामयाब हो जाती है। मगर नोबल मरता नहीं है और उसे मदरवर्ल्ड के सैनिकों द्वारा बचा लिया जाता है। इधर कोरा जाबाजों के साथ पूरे के पूरे वॉरशिप से लड़ने की तैयारी कर रही होती है, और यहीं से दूसरे भाग की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मदरलैंड के डॉक्टर्स ने नोबल को बचा लिया है। वो होश में भी आ चुका है। वो उठते ही कमांडर कैसियस से कहता है कि उसे पता है कि आर्थेलियस यानी कि कोरा कहाँ है। वो उसको स्मॉल मून चलने के लिए कहता है। इधर गाँव में सभी लोग कोरा और जाबाजों का स्वागत करते हैं, जहाँ पर कोरा सबको बताती है कि उसने नोबल को मार दिया है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मगर तभी सिपाही एरिस, जो कि एक अच्छा आदमी है और गांव वालों का साथ दे रहा है, वो कमांडर कैसियस से बात करके आता है। वो सबको बताता है कि वॉरशिप 5 दिनों के बाद वापस आ रहा है। टाइटस कहता है कि उनको इस फसल की जरूरत हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद वो पूरे गाँव वालों से बात करता है और कहता है कि हम लोग पूरे गाँव को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अब जंग की घड़ी आ गई है। अब हम लोगों को सारा अनाज सिर्फ 3 दिन में काट कर अपने पास रखना होगा, क्योंकि उनको अनाज की बहुत ज़रूरत है। आगे गुनार और कोरा भी करीब आ जाते हैं। अब कोरा को भी गुनार से प्यार हो गया था। कोरा बताती है कि जब बादशाह ने मदरवर्ल्ड के सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, तब ये बात बेलसीरियस को पसंद नहीं आई। बादशाह अब और खून की नदियाँ नहीं बहाना चाहते थे। वो सब तरफ अमन और चैन फैलाने का फैसला ले चुके थे, जिसके बाद बेलसीरियस ने षड्यंत्र करके खुद ही बादशाह को मार दिया और कोरा को शहजादे ईसा को मारने के लिए कहा। कोरा उसकी अंगरक्षक थी, मगर वो बेलसीरियस की गोद ली हुई बेटी थी। बेलसीरियस ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था, इसीलिए उसके दबाव में आकर कोरा ईसा पर गोली चला देती है और उसको मार देती है। लेकिन इसके बाद बेलसीरियस ने ही कोरा पर शाही परिवार के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर कोरा को वहाँ से भागना पड़ा, और तब से कोरा यहाँ स्मॉल मून पे रहती है। अगली सुबह से सभी जाबाज और किसान फसल काटने में लग जाते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। इधर कमांडर कैसियस सिपाही एरिस से बात करते हैं, जिसके बाद नोबल समझ जाता है कि एरिस अब उन लोगों की तरफ हो गया है, और कोरा भी जाबाजों के साथ वहाँ पहुँच चुकी है। अगले दिन टाइटस सभी किसानों को बंदूक चलाना सिखाता है और युद्ध के बेसिक दावपेच भी बताता है। रात को सभी किसान सभी जाबाजों का सम्मान करते हैं, जिसके बाद सभी जाबाज आपस में अपने अतीत के बारे में बताते हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है और एक बात क्लियर हो जाती है, सब के सब मदरवर्ल्ड के अत्याचार की वजह से ही उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगले दिन कोरा अपने जहाज को ढूंढ निकालती है और उसे एक झरने के पीछे छिपा देती है, जहाँ पर जिमी आता है। कोरा उससे कहती है कि अब हम सबको मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ना होगा, जहाँ पर जिमी कहता है कि मदरवर्ल्ड की सेना बहुत बड़ी है और उनसे जीतना नामुमकिन। सभी किसान टाइटस के साथ युद्ध के लिए बंकर बनाते हैं और बॉम्ब लगा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वॉरशिप आ जाती है। सभी दौड़कर छिप जाते हैं। गाँव वालों ने सभी अनाज की बोरियों को घर के दरवाजे पर रख दिया था, ताकि वॉरशिप उन्हें ऊपर से ही ना उड़ा दे। नोबल समझ जाता है और प्लान बनाता है। नोबल कुछ जहाज़ों के साथ नीचे गांव में आता है और कहता है वो गांव वालों को नहीं मारेगा अगर आर्थेलियस यानी कि कोरा उसके साथ बेलसीरियस के पास जाए तो। कोरा सोचने के बाद उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से गांव वालों की जान जाए। तभी गुनार नहीं मानता है और जंग का सिग्नल सभी योद्धाओं को दे देता है। तभी जमीन के अंदर छिपे कुछ किसान बाहर निकलते हैं और एक जहाज को उड़ा देते हैं, और फिर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर सभी किसान बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। नोबल बंकर में घुस के सभी किसानों को मारने लगता है। दूसरी तरफ नेमेसिस बहुत बहादुरी से तलवार से सिपाहियों से लड़ती है। वो सही मायने में एक जाबाज होती है। वो बहुत सारे सिपाहियों को मार डालती है, काट डालती है, मगर सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसका हाथ भी कट जाता है, मगर वो फिर भी
नहीं हारती है और आखिरी दम तक लड़ती रहती है। इधर कोरा अपने पुराने जहाज से वॉरशिप की तरफ जाने लगती है और सिग्नल देती है कि जहाज में कोई खराबी हो गई है। सबको लगता है कि वो उनके ही जहाजों में से कोई एक जहाज है, इसीलिए कोरा को जहाज के अंदर ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग उसका इलाज करने ले जाते हैं। इधर गांव में टाइटस और तारक बहुत बहादुरी से सिपाहियों का सफाया कर रहे होते हैं। वो लोग सिपाहियों की एक टुकड़ी को खत्म भी कर देते हैं, मगर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि और भी सिपाही बहुत सारे टैंक्स के साथ गांव पर हमला करने लगते हैं। सभी जाबाजों को लगता है कि शायद ये उनका आखिरी वक्त है, और वो एक दूसरे से कह भी रहे होते हैं कि जंग में मरना गर्व की बात होती है। लेकिन तभी वहां पर जिमी की एंट्री होती है और वो आते ही बस कोहराम मचा देता है। वो जंगी जहाज के टैंक को उड़ा देता है और बहुत सारे सैनिकों को मार गिराता है, जिसके बाद ऊपर कोरा शिप के अंदर बॉम्ब प्लांट कर देती है। तभी कुछ सिपाही कोरा को देख लेते हैं और कोरा उनको मार डालती है, जिस वजह से नोबल को पता चल जाता है कि कोरा अब जहाज में आ चुकी है। जिसके बाद नोबल कहता है कि अब वो गांव वालों को नहीं छोड़ेगा और वो वहां पर डायरेक्ट हमला करने का ऑर्डर दे देता है और खुद कोरा को मारने चला जाता है। इधर कोरा भी तलवार लेकर नोबल को मारने निकल पड़ती है। सब तरफ मार धाड़ चल रही होती है। कॉलोसियस गांव पर निशाना साधता है और वॉरशिप से तोप चलाता है, लेकिन कोरा ने पहले ही वॉरशिप में बॉम्ब लगा रखा था। बॉम्ब ठीक उसी टैंक के एनर्जी सोर्स में होता है, जो कि टैंक चलाने की वजह से फट जाता है और गांव में निशाना नहीं लगता, बल्कि पूरा का पूरा शिप टेढ़ा होकर नीचे गिरने लगता है। अब कोरा और नोबल आमने सामने होते हैं। गुनार भी गोलियां चलाकर कोरा को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन नोबल उसको गोली मार देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। कोरा और नोबल में जबरदस्त शॉर्ट फाइट होती है, जिसमें कोरा पर नोबल भारी पड़ने लगता है। दोनों ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसक रहे होते हैं। नोबल कोरा को मारने ही वाला होता है, मगर तभी गुनार पीछे से उसको शॉर्ट से मार देता है और उसकी छाती चीर देता है। इस बार कोरा उसे दरवाजे में फंसा देती है और उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देती है, ताकि पहले की तरह उसको ठीक न किया जा सके। पूरा का पूरा वॉरशिप बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। सभी जाबाज नीचे से देखते हैं और कहते हैं, कोरा हमारे लिए लड़ रही है। इधर कोरा गुनार को लेकर बहुत मुश्किलों से वॉरशिप के अंदर से बाहर निकलती है, क्योंकि कोरा का जहाज भी अब खराब हो चुका होता है। कोरा नीचे उतरकर गुनार को बाहर निकालती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर गुनार बहुत जख्मी हो चुका होता है। अब वो आंखें भी बंद करने लगता है। तभी वहां पर देवरा सभी बागियों को लेकर आती है और मदरवर्ल्ड के सिपाहियों पर टूट पड़ती है। कोरा गुनार से कहती है कि देखो अब सब ठीक हो जाएगा, सब हमारी मदद के लिए आ चुके हैं, मगर गुनार तब तक दम तोड़ चुका होता है। सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल है। कोरा बहुत रोती है, जिसके बाद गांव वाले जंग जीत जाते हैं। रात में सभी योद्धाओं को अंतिम विदाई दे दी जाती है। कोरा के पिता कहते हैं कि जिन्होंने भी जंग में अपनी जान गंवाई है, उन सबको सदियों तक याद किया जाएगा। यहाँ पर कोरा बहुत उदास हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोरा कहती है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। तभी टाइटस कहता है, मकसद है कोरा। टाइटस बताता है कि शहजादी अभी मरी नहीं है, बल्कि जिंदा है। वो कहता है कि शहजादी खुद ही दूसरों को जिंदगी दे सकती थी, तो मौत उसका क्या बिगाड़ सकती है। बस वो कहाँ है वो ये नहीं जानता, मगर वो जिंदा है और उसे ढूंढना कोरा का मकसद है और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित करना कर्तव्य। जिसके बाद देवरा और जिमी दोनों ही कोरा का साथ देने का वादा करते हैं और रेबल मून पार्ट टू द स्कार गिवर की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आगे की कहानी रेबल मून के पार्ट थ्री में दिखाया जाएगा, जिसमें लड़ाई होगी जस्टिस और रिवेंज की। दोस्तों, मैंने रेबल मून पार्ट वन द चाइल्ड ऑफ फायर को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो को अभी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So guys, thank you very much for watching. Keep watching. Watch on point.